ब्रेकिंग न्यूज है, क्रीमिया में एक बार फिर से हुआ है बड़ा धमाका। यूक्रेन ने क्रीमिया पर मिसाइल से किया है हमला। यूक्रेनी मिसाइल अटैक से दहला सेवास्तोपोल। मिसाइल अटैक में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्रीमिया में हुआ है बड़ा हमला। यूक्रेनी मिसाइल अटैक से दहला है सेवास्तोपोल का इलाका। ये देखिए गोल घेरे में आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये है वो बड़ा धमाका जो आसमान में नजर आ रहा है, सीधे सीधे जोरदार विस्फोट, चारों तरफ धुआं ही धुआं। क्रीमिया पर एक के बाद एक कई मिसाइलों की बौछार की गई है। एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक से सेवास्तोपोल का पूरा इलाका दहल उठा है और कहा जा रहा है कि अब हो ना हो रूस इसका अब गंभीर परिणाम भुगतने के लिए अब प्लानिंग तैयार कर रहा है ताकि यूक्रेन को सबक सिखाया जा सके। इधर रूस यूक्रेन की जंग में रणनीति मोर्चे पर सबसे ज्यादा खतरा कहीं बढ़ा है तो वो है क्रीमिया का इलाका। यूक्रेन हर हाल में क्रीमिया पर कब्जा करना चाहता है, लिहाजा यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर हमला कर रहा है। यूक्रेन ने 23 जून को ही ब्लैक सी के किनारे रिजॉर्ट पर ATACMS मिसाइल से हमला किया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक बार फिर यूक्रेन ने सेवास्तोपोल पर हमला कर रूस को भड़का दिया है। रूस ने यूक्रेन को चेतावनी देते हुए कहा कि क्रीमिया पर हमला रूस पर हमला है, इसका अंजाम गंभीर होगा। और अब नजर डालते हैं यूक्रेन ने रूस पर कब कब बड़े हमले किए हैं उन घटनाओं पर। तो रूस पर यूक्रेन का बड़ा प्रहार, जहां 23 जून क्रीमिया पर ATCMS मिसाइल अटैक, 17 मार्च 2024 क्रास्नोदर पर ड्रोन से अटैक किया और 24 जुलाई 2023 मॉस्को पर ड्रोन से अटैक, 29 अक्टूबर 2022 माकारोव वॉरशिप पर अटैक किया और 8 अक्टूबर 2022 को क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर बड़ा हमला किया गया, 14 अप्रैल 2022 को मॉस्कोवा युद्धपोत पर अटैक किया गया और 9 से 10 अगस्त 2022 को साकी एयरबेस पर रूस के वॉर जेट्स पर हमला किया गया। तो देखिए एक के बाद एक वो बड़े हमले हम आपको बता रहे हैं किस तरह से रूस को डैमेज करने के लिए बड़ी कोशिशें यूक्रेन की तरफ से की गई हैं। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े। मनीष, एक बात तो तय है कि एक कंसिस्टेंसी यूक्रेन की तरफ से भी नजर आ रही है कि रूस को बड़े हमले से बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, इन कोशिशों का सिलसिला कहीं से भी रुका नहीं है, भले ही रूस ने कितनी भी बढ़त हासिल की हो इस जंग में। देखिए ये बात तो सच है कि क्रीमिया हो या फिर दूसरे इलाके की बात करें, बेलगोरोद, कुर्स्क या ब्रियांस्क, इन सब इलाकों में यूक्रेन लगातार हमला कर रहा है और बहुत हद तक उसमें कामयाबी भी होती है। देर रात की भी हमले की बात करें तो क्रीमिया में जब मिसाइल से हमले किए गए सेवास्तोपोल के इलाके में, रूसी दावा यह है कि वहाँ पर एयर डिफेंस के जरिए उसको नाकाम कर दिया गया, लेकिन हकीकत यह भी है कि क्रीमिया के इलाके में तमाम एयर डिफेंस होने के बावजूद यूक्रेनी मिसाइल या यूक्रेन को दिए हुए अमेरिकी मिसाइल के जरिए वो सेवास्तोपोल के कई अहम ठिकानों को टारगेट करने में कामयाब होते हैं और यहीं पर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है उस पर सवाल उठता है। लेकिन इसके बावजूद हाँ ये सच है कि यूक्रेन के लिए प्राइम टारगेट क्रीमिया रहता है और वो जियोपॉलिटिकली भी एक बड़ा मैसेज देने में कामयाब रहता है कि हम लगातार रूस को क्रीमिया में चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल मनीष, तो ये स्थिति तो लगातार बनी हुई है कि यूक्रेन रूस को बड़े नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है और एक तरफ यूक्रेन क्रीमिया पर हमले कर रूस को सख्त संदेश दे रहा है कि रूस को क्रीमिया हर हाल में छोड़ना होगा, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से हथियार की गुहार लगा रहे हैं। ज़ेलेंस्की लगातार कह रहे हैं कि रूसी हथियारों के आगे हमारे हथियार नाकाम साबित हो रहे हैं। रूसी हथियारों के आगे ज़ेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं। रूसी ग्लाइड बमों से बचने के लिए यूक्रेन के पास कोई विकल्प नहीं है और रूसी ग्लाइड बमों के आगे अमेरिकी हाईमार्स भी बेबस नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के पास लंबी दूरी की मिसाइल की भारी कमी है और रूस हर महीने 3200 ग्लाइड बम से हमला कर रहा है, ये कहा है ज़ेलेंस्की। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, एक और जहां यूक्रेन क्रीमिया पर हमला कर रूस को टेंशन में ला चुका है तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने फिनलैंड के साथ समझौता कर पुतिन को और परेशान कर दिया है। रूस को घेरने के लिए अमेरिका ने की है ये बड़ी तैयारी। रूसी सीमा के पास अमेरिकी सैनिक तैनात होंगे। फिनलैंड के 15 सैन्य बेस पर अमेरिकी सेना की तैनाती की जाएगी। तो देखिए अब अमेरिका भी रूस को टेंशन में डालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। अमेरिका अब एक बड़ी सैन्य तैनाती की योजना बना रहा है रूस को घेरने के लिए। अमेरिका ने यह तैयारी कर रखी है, रूसी सीमा के पास अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जाएगी।
जी हाँ, तो नेटो की जंगी तैयारी, रूस वर्सेस अमेरिका। रूस की दहलीज पर अमेरिकी सैनिक पहुंचे और नेटो देश में तैनात होंगे अमेरिकी सैनिक। नेटो देश फिनलैंड के साथ अमेरिका का करार है। अमेरिका ने फिनलैंड से 16 मिलिट्री बेस लिए। इन मिलिट्री बेसिस पर अमेरिकी सैनिकों की डिप्लॉयमेंट होगी, तैनाती होगी। इस मिलिट्री बेस से रूस को घेरेगा अमेरिका और फिनलैंड में अमेरिका घातक हथियारों की तैनाती करेगा। फिनलैंड की संसद ने रक्षा सहयोग के लिए यूएस को हरी झंडी दे दी है। देखिए, ये है यूएस की रणनीति रूस को टेंशन में डालने के लिए। मनीष जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये तो पहले से हमें पता है कि अमेरिका बार बार रूस की मुश्किलें बढ़ाता है, लेकिन ये जो फिनलैंड के साथ समझौता हो रहा है, अब रूसी बॉर्डर पर भी अमेरिकी सैन्य तैनाती होगी, इसे लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? क्या पुतिन अब चुप बैठेंगे या फिर अमेरिका को ठोस जवाब दिया जाएगा? देखिए, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जिसके तहत फिनलैंड के 15-16 जो बड़े मिलिट्री बेस हैं वहाँ अमेरिकी सैनिक तैनात होंगे या अमेरिका को उनका एक्सेस होगा, अपने हिसाब से वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अहमियत देखें तो रूस और फिनलैंड का जो बॉर्डर जहाँ पर मिलता है या फिर सेंट पीटर्सबर्ग जैसे इलाके रूस के जो कि पुतिन का होम ग्राउंड होम सिटी भी है, वो फिनलैंड के तमाम सैन्य बेस से एकदम डायरेक्ट निशाने पर होंगे। इसलिए रूस पर दबाव बनेगा, इस बात की आशंका रूस को थी और इसीलिए क्रेमलिन ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि हमने सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी तैयारी कर रखी है, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अमेरिका और फिनलैंड के बीच होने वाले इस करार के बाद सेंट पीटर्सबर्ग और आसपास के इलाके काफी टारगेट पर रहेंगे और इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए, तो रूस ने उसके हिसाब से तैयारी कर रखी है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसकी वजह से रूस और नाटो का तनाव और अधिक बढ़ेगा।